निन्दन्तु नीति निपुणः यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविश्यतु गच्छतु वा यथेष्टम् आद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरः न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरः प्रविचलन्ति पदं न धीरः। नमस्ते साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथियों, ज्ञानसुधा कॉलेज आयुक्तालय राजस्थान सरकार के इस उपक्रम में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे सम्मुख और हमारे विद्यार्थियों के सम्मुख अभी बहुत बड़ी परीक्षा होने जा रही है। मेरी शुभकामनाएं तो आप लोगों को सदैव होती हैं, लेकिन देखिए बहुत सारे विद्यार्थियों का आग्रह था कि गुरुजी संस्कृत में प्रश्न पत्र किस प्रकार का आता है, इसे लेकर के कभी चर्चा करें। साथियों, एक तो सबसे बड़ी बात यह है, आप लोगों ने एक डायलॉग सुना होगा, वो डायलॉग नहीं है, वो जीवन की हकीकत है कि जो डर गया वो मर गया। मैं बहुत बार देखता हूं विद्यार्थी कहते हैं कि हम द्वितीय भाषा के रूप में जिस भाषा को चुनते हैं वहां पर पद्यांश आता है। मैं आज आपके सम्मुख रीट परीक्षा 2016 जो 6 फरवरी 2016 को आयोजित हुई थी और इसका लेवल 2 का जो पेपर जो था भाषा का संस्कृत का, उसको लेकर के बात कर रहा हूं। सवाल यह उठता है कि कुछ शिक्षक साथी भी विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं, डरा देते हैं कि पद्यांश कठिन होता है। मैं आपके मन में से यह भय निकालना चाहता हूं कि चाहे गद्यांश हो या पद्यांश हो, उसको आधारित बना के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बहुत सरल होते हैं। कुछ विद्यार्थी अलंकार को लेकर के बहुत भयभीत हैं कि अब की बार अलंकार इसके अंदर आ गए हैं। अलंकारों पर मैं अतिशीघ्र आप लोगों से बात करने वाला हूं। साथियों, ये कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, उम्मीद है आप लोग इससे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अंत तक जुड़ करके आप लोग इसको सुने। यहां पर मैंने कुछ 15-16 प्रश्न लिखे हैं। ये केवल 15-16 प्रश्नों का सवाल नहीं है, किस प्रकार से हमें प्रश्न पत्र का समाधान करना चाहिए इसके विषय में मैं बात करने वाला हूं। यदि आप आत्मविश्वासी हैं, देखिए यह आत्मविश्वास पुरातन जमाने में जैसा कि गुरु और ग्रंथ और शिष्य इन तीनों का एक संयोग हुआ करता था, ये अयुत सिद्ध वृत्ति से एक साथ होते हुए ज्ञानार्जन किया करते थे, तब ज्ञान भी मिलता था, कौशल भी मिलता था और बहुमुखी प्रतिभाएं भी आती थी। हम सभी जानते हैं और हमें स्वीकार करना चाहिए कि आधुनिक जो युग है वो गुरु का जो युग था, गुरु और ग्रंथ का जो युग था, उसको वह अब परिवर्तित होकर के गूगल का युग हो गया है। संक्षिप्त में मैं जितनी बातें आपको यहां पर बता सकता हूं उतनी बातें मैं आपसे करूंगा, क्योंकि जब साक्षात गुरु और शिष्य होते हैं तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। लेकिन आप यूं ही सोचें, हमारा आधुनिक युग है, यांत्रिक युग है और इसमें इन्हीं प्रकार की चीजों के साथ हमें आगे बढ़ना है। चलिए, यहां पर मैंने अभी एक पद्य बोला, ये देखिए पद्य आया हुआ है 2016 रीट परीक्षा में, यह पद्य आया हुआ था। यह बहुत सरल है, पद्यांश को देख करके आपको डरना नहीं है। मैं आपको यह आश्वस्ति देता हूं कि उस पद्यांश या गद्यांश कोई फर्क नहीं पड़ता, पद्यांश और गद्यांश का अर्थ आपसे नहीं पूछा जा रहा, आपसे उस पद्यांश और गद्यांश को आधार बनाकर के जो व्याकरण है, जो संधि है, समास है, लकार है, विभक्ति है, पुरुष है, इसके बारे में, धातु है, प्रत्यय है, उसके बारे में बात की जाती है। तो यहां पर घबराने की बात क्या है, यह बहुत सरल होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रश्न पत्र जब आपके सम्मुख आए उस वक्त आप उसको प्रणाम कीजिएगा और एक विश्वास रखें, अपने मन में यह विश्वास रख लें, क्योंकि कहते हैं कि वेल बिगेन हाफ डन। यदि आपकी शुरुआत अच्छी है, आप आत्मविश्वास है, तो
तो आप आधी चीजें तो वैसे ही आधा मार्ग आधा रास्ता वैसे ही तय हो जाता है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि मैं सदैव आपको कहता हूं कि आत्मविश्वासी बनाइए, बने अपने आप को, आत्मविश्वास जो है पैदा करें अपने आप में। साथियों ये एक पद्यांश था महाकवि भर्तृहरि जिन्होंने नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक तीन पुस्तकें लिखी। फिर से बता रहा हूं, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, और उन उस तीनों पुस्तकों में से एक उनकी पुस्तक है नीति शतक। और नीति शतक में ये जो पद्य है, ये पद्य है कि निंदन तो नीति निपुणा यदि वास्तु बंधु। देखिए सबसे पहली बात, जब भी पद्यांश आपके सामने आता है तो आपको ये देखना है उस शब्द, वह जो शब्द है उस शब्द में कौन सा लकार है, धातु कौन सी है, यदि कोई शब्द रूप है तो उसमें विभक्ति कौन सी है, मूल शब्द कौन सा है, वह अकारांत है कि आकारांत है, उसमें प्रत्यय कौन सा है, पुरुष कौन सा है, वचन कौन सा है, यह सब चीजें आप लोगों को देखनी है। मैं इसका अर्थ भी बताऊंगा लेकिन पहले इसकी व्याकरण में समझा देता हूं। पहला शब्द है निंदंतु। देखो आपको यह ध्यान रखना है कि रीट परीक्षा में जब लकार की हम बात करते हैं तो हमारे वहां पर पांच लकार है। संस्कृत भाषा में कुल जो लकार है वो तो 10 है लेकिन आपके जो लकार है वो 5 ही लकार है, यह आपको ध्यान रखना है। साथियों 10 लकारों में से 5 लकार है। अब आप सभी जानते हैं कि ये लट का अर्थ होता है वर्तमान काल, लिट अर्थात भविष्य काल, लंग अर्थात भूतकाल, लोट आधार तक, और विधिलिंग या लिंग लकार चाहिए अर्थ वाले वाक्य में प्रयुक्त होता है। इसको पहचानने का तरीका क्या है, ये कोई जो है 6 क्लास का विद्यार्थी भी जानता है। मैंने आपके यहां पर पठक ही दिया या पठन भी दिया तो यहां पर ती त से आप पहचान सकते हो कि ये पठती जो शब्द है वो लट लकार का है। पठती पठत पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठाव पठाम, इस प्रकार का ती त अंति वाला जो है वो लट लकार होता है। लिट लकार में श जुड़ जाता है, यही क्या हो जाएगा, पठिष्यति क्षति, तो क्षति पठिष्यति, हसिष्यति, गमिष्यति, याचिष्यति, इस प्रकार से क्षति का प्रयोग होता है। ये ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये लिट लकार है। लग लकार जिसे हम भूतकाल कहते हैं उसमें किसी भी धातु के पहले जो है अ जुड़ जाता है, अपठत अपठताम अपठन, इस प्रकार से रूप इसके चलते हैं। अब आपसे कोई पठती पठिष्यति और अपठक ये पूछ रहा है, सीधा सीधा वहां पर आपको समझ में आना चाहिए कि यदि ती तह अंति है तो वो लट लकार है, क्षति क्षत क्षंति है तो वो लृट लकार है, और किसी धातु के पहले यदि अ जुगा है तो वो लंग लकार होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। और साथियों यदि किसी धातु में तू अर्थात अंत में ऊ की मात्रा कहीं सुनाई दे रही है, पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम, इस प्रकार यहां पर देखो तू दिखाई दे रहा है तो निंदंतु निंदंतु, यह आपने निर्णय कर लिया कि यह निंदंतु जो शब्द है उसमें धातु कौन सी है। सब जानते हैं कि निंद धातु है, निंद धातु है, लकार कौन सा है कि लोट लकार है। अब सवाल यह उठता है कि लोट लकार में ये प्रथम पुरुष है, उत्तम पुरुष है या मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष है। तो ये देखो रूप आपको याद करने पड़ेंगे। आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए जो संस्कृत के जो व्याख्यान मैंने जो लिए हैं उसमें मैंने शब्द रूप और धातु रूप इनका जो है पूरा व्याख्यान जो है विस्तार से आपको दिया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहां देखें धातुओं के रूप किस प्रकार से चलते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे पठतु है तो पठतु पठताम पठंतु, इस प्रकार से रूप चलेंगे, पठतु पठताम पठंतु, पठतु पठताम पठंतु, ये रूप चल रहे, इसका मतलब अंतु आ रहा है। तो ये प्रथम पुरुष तो है, प्रथम पुरुष का ये एक वचन, ये द्विवचन, ये बहुवचन, और यहां पर निंदंतु जो शब्द है ये लोट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है। जब कभी भी गद्यांश आपके सम्मुख आए तो इस प्रकार की चीज आपको पहले से ध्यान रखना चाहिए कि निंदंतु जो पद आया उसमें अंतु आ रहा है, ये लोट लकार है, ये प्रथम पुरुष है और प्रथम पुरुष का बहुवचन है। निंदतु निंदुताम निंदंतु, निंद निंदंतम निंदत, निंदाम निंदाव निंदाम, इस प्रकार से इसका रूप चलेगा। निंदंतु अर्थात निंदा करे, नीति निपुण, नीति में निपुण। अब यहां पर इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, नीति निपुण किसको बोलते हैं? अरे आप हिंदी में पढ़ते हो नीति निपुण, कार्य निपुण, तो क्या करते हैं हम, नीति में निपुण, इसका मतलब सप्तमी तत्पुरुष समास है, नीतौ निपुणा,
नीति में जो निपुण है नीतव सप्तमी विभक्ति लग जाएगी, हरि की हरव बनती है, नीति की नितव शब्द नितव बन जाएगा। नीति में निपुण लोग आपकी निंदा करे यदि वा अथवा स्तुवंतु, देखो यहां पर स्तुवंतु, फिर यहां पर निंदंतु, स्तुवंतु लोट लकार है, प्रथम पुरुष है, बहुवचन है। तो आपको ये सरल सरल सी बातें, अब आपसे मैं पूछ लूं कि इस पंक्ति में कितने अव्ययों का प्रयोग हुआ है, तो बोलो कितने का हुआ है। एक तो यदि अव्यय है संस्कृत में, एक वा अव्यय है। मैंने आपसे पूछा कि निंदंतु में कौन सा लकार है, तो सीधा सीधा लोट लकार है। मैंने आपसे पूछा कि लोट लकार में कौन सा पुरुष है, कि प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष में मैंने पूछा कि कौन सा वचन है, तो बहुवचन है। इसी प्रकार स्तुवंतु लोट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है। जैसे निंदंतु है उसी प्रकार स्तुवंतु है, दोनों की शक्ल रंग रूप चेहरा एक जैसा ही तो है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको इसका अर्थ आए कि नहीं आए, लेकिन उसकी व्याकरण तो आती है ना, तो घबराने की आवश्यकता कहां है। पद्यांश को लेकर के इतना हवा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत सरल चीजें हैं। और हम सदैव वदामि यत् संस्कृतम् अतीव सरलम् केवलम् अस्माकं मनसि एव भयम्, यत् संस्कृतम् कठिनम् कठिनम् कठिनम्। और यादृशम् अस्माकं चिंतनम् भवति, जैसा हमारा चिंतन होता है तादृशम् अस्माकं सृष्टि भवति, तादृशम् अस्माकं जीवनम् भवति। यदि अस्माकं जीवने वयं सकारात्मक रूपेण चिंतनम् कुर्मः चेत् अस्माकं जीवनम् सकारात्मकम् भविष्यति, नास्ति अत्र कश्चित् संदेह। कोई संदेह यहां पर नहीं है कि आप जैसा जीवन में सोचते हैं आप वैसा ही तो बनते हैं। इस संसार में हर व्यक्ति के उत्पन्न होने की प्रक्रिया एक जैसी है, चाहे वो गरीब के घर पैदा होता है या धनवान के घर पैदा होता है। वह अपने कर्मों से महान बनता है, कर्मों से उच्चता को प्राप्त करता है, कर्मों से निकृष्टता को प्राप्त करता है। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम जीवन की दशा और दिशा को किस रूप में लेकर के जाते हैं। किसी भी तरह से हमें जीवन में प्रत्येक क्षण यह सोचना है कि मैं संसार की महान कृति हूं, मैं संसार की महान कृति हूं। यह अंदर से आप बोलना सीखिए, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, मैं संसार में सफल होने के लिए पैदा हुआ हूं। मैं सदैव आपको कहता हूं कि आप अपने जीवन के नायक खुद हैं, आप स्वयं अपने जीवन के कर्णधार हैं। एक बार विचार करके देखिए आप इस बात पर। और नायक कभी हारता नहीं, मैं मेरे जीवन का स्वयं हीरो हूं, हीरो कभी हारता नहीं। और भारतीय फिल्मों का हीरो तो कभी हारता ही नहीं, ये ध्यान रखिएगा। किसी भी स्थिति में उसे जीतना ही होता है। आपको जीतना होगा, उठना होगा, लड़ना होगा, तभी आप जीवन में कर सकते हो। और पहले से यदि आपने अपना तय कर लिया कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो ब्रह्मा जी स्वयं भी अवतरित हो जाए, आपको वो काम आप नहीं कर सकते, ऐसा मैं मानता हूं। तो चलिए, निंदन तो नीति निपुण, नीति में निपुण लोग आपकी निंदा करें यदि वह स्तुवंतु अथवा स्तुति करें, आपकी कोई निंदा करे या स्तुति करे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे तू कुछ नहीं कर सकता जीवन में। और भारतीय घरों के अंदर यह होता है, हम हमारे यहां पर बहुत प्रेम है, लेकिन यहां हमारे कुछ परंपराएं ऐसी हैं जिसके अंदर हमें हर व्यक्ति, मां ने कहा मेरा लाल बहुत बड़ा बनेगा, पिता कहता है ये नालायक है कुछ नहीं कर सकता, दादा कुछ कहता है, दादी कुछ कहती है, और हम इसी प्रक्रिया के अंदर एक दिन जीवन के अंदर हमें लगता है कि हम है क्या। तो हमें क्योंकि हमें ये संदेह के बीच हमारे घरों से ही बो दिए जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो कर्मवीर है उसकी निंदा करे कोई अथवा स्तुति करे, उसे अपने कर्मों से, उसे अपने कौशल से, अपने जान से, अपने साधना से, अपनी मेहनत से उत्तर दीजिए कि देखिए मैं इस संसार में कुछ भी कर सकता हूं। दुनिया आपको एक बार जब कभी भी निंदा करती है, हमारा हौसला जो है पस्त हो जाता है, हमें लगता है हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये पूरी संसार आपके स्वागत के लिए तैयार है। साथियों आप करके तो देखो, भरतऋषि का कितना बढ़िया श्लोक है कि नीति में निपुण लोग तुम्हारी निंदा करें, निंदा इस संसार में उसी की होती है जिसके पास कुछ होता है, स्तुति उसी की होती है जिसके पास कुछ होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो निंदा और स्तुति से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये व्याकरण थी और ये सार्थ है। फिर वो आगे कहते हैं कि लक्ष्मी ही समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्। दूसरी पंक्ति जो है इसका आती है, भरतऋषि कहते हैं कि हमारी जिंदगी में लक्ष्मी समाविशतु सम्यक रूप से आए, खूब आए अथवा चली जाए। लक्ष्मी अर्थात वैभव ऐश्वर्य हमारी जिंदगी में आए अथवा चला जाए कोई फर्क नहीं, यथेष्टम वह उसकी इच्छा है, लेकिन हमें हमारे पद से विचलित नहीं होना चाहिए। अब यहां पर इसकी व्याकरण की बात करता हूं। पहली बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि लक्ष्मी शब्द क्या है, इकारांत स्त्रीलिंग है। आपको साथियों देखिए एक एक चीज
आपको छोटी सी चीज एक नंबर दिला सकती है, छोटी सी चीज एक नंबर से दूर कर सकती है। इकारान शब्द कौन कौन से होते हैं? मैंने कहा नदी है, सखी है, पत्नी है, स्त्री है, ये सब जननी है, ये सारे के सारे शब्द इकारान दीर्घ इकारान है। और इनका रूप कैसे चलता है? नदी नद्यौ नद्यः। और इसी प्रकार लक्ष्मी भी इकारान है, लक्ष्मी और नदी का रूप एक जैसे ही चलता है, लेकिन एक जगह अंतर है। वो कहां पर है? प्रथमा विभक्ति का जो एक वचन होता है लक्ष्मी में विसर्ग आता है। लक्ष्मी ही, श्री ही, श्री ही, लक्ष्मी ही, श्री ही, प्रदी ही, इनमें श्री में लक्ष्मी में विसर्ग आएगा, लेकिन नदी में विसर्ग नहीं आता। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नदी शब्द का रूप चलाओगे तो नदी नद्यौ नद्यः विसर्ग नहीं आएगा, लेकिन लक्ष्मी का लक्ष्मी नहीं होता है, लक्ष्मी ही बहुवचन प्रथमा के एक वचन में विसर्ग लग जाता है। ये छोटी सी एक बात है। और आपसे कोई पूछ ले कि लक्ष्मी शब्द, यदि ये पूछ लिया कि लक्ष्मी ये तो गलत है तो क्या होगा? लक्ष्मी ही, लेकिन नदी ये गलत है, ये नदी नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा अंतर है, इसको आपको जानना पड़ेगा। लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी का अर्थ है वैभव ऐश्वर्य। और लक्ष्मी यहां पर क्या है? प्रथमा व्यक्ति का एक वचन है। समाविशतु, समाविशतु शब्द कैसे बना? समाविशतु जो शब्द है वो कैसे बना, चलिए बात करते हैं। समाविशतु जो शब्द है उसमें सम उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, विष धातु है, लोट लकार है, प्रथम पुरुष है, विष धातु लोट लकार प्रथम पुरुष है, और पठतु की तरह एक वचन है। इसलिए आप पहले से ये दिमाग में सोचो, जब भी कोई पद्यांश आता है आपको यह सोचना होगा कि समाविशतु सम उपसर्ग, आ उपसर्ग, विष धातु और लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, फिर गच्छतु गम धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, और वा अव्यय है, यथेष्टम कौन सी संधि है? गुण संधि है। कैसे होगी? यथा और इष्टम, यथा और इष्टम इसको जोड़ दोगे, यथा और इष्टम को जोड़ दोगे तो आ, यथा वाला आ और इष्टम वाला ई मिलके ए बन जाता है और शब्द बनता है यथेष्टम। तो कहते हैं कि लक्ष्मी ही समाविशतु, लक्ष्मी आए, समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, ये लक्ष्मी पे डिपेंड करता है। लेकिन कर्मवीर को सदैव यह विश्वास होता है कि जो कर्म करता है उसके पास वैभव आएगा। जो कर्मशील है, जो उद्योगी है, जो परिश्रमी है, उद्योगिनम पुरुष सिंगम उपेति लक्ष्मी ही, देवेन देयम इति का पुरुषः वदन्ति। उद्योगी पुरुष के पास लक्ष्मी, लक्ष्मी आएगी आएगी, उसे वरण करेगी ही करेगी। देवेन देयम इति का पुरुषः वदन्ति। कायर लोग कहते हैं कि भाग्य में नहीं था, भाग्य से छीन के लेना सीखो साथियों। ये देखिए एक एक चीज, संस्कृत कहते हैं कि हमारी संस्कृति है, जीने की एक शैली है। आपको जीवन में प्रेरणा कहां से मिलती है? भाषा से मिलती है। और हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे पास संस्कृत है। संस्कृत को भार मान के मत पढ़िए, मैं आपको कहता हूं ये देववाणी है, ये हमारी रगु में है, ये हमारे खून में है, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है। और इसको यदि आप ढंग से एक बार सीखना करना सीख लिया तो जीवन में कभी आपको इससे निराश, आप निराश नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए गच्छतु गम धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन यथेष्टम, गुण संधि है। अब वो पूछेगा क्या आपसे? एग्जामिनर यही तो पूछेगा, निंदंतु पद में क्या है? तो निंद धातु लोट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन, नीति निपुणों में कौन सा समास है कि सप्तमी तत्पुरुष, इस पंक्ति में अव्यय कितने की दो, लक्ष्मी में कौन सी व्यक्ति के प्रथमा व्यक्ति का एक वचन, समाविशतु शब्द कैसे बनता है कि सम उपसर्ग आ उपसर्ग विष धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, गच्छतु कैसे बनेगा गम धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, वा क्या है कि अव्यय, यथेष्टम में कौन कौन से शब्द है, यथा और इष्टम कौन सी संधि की, गुण संधि बताओ। इसके बाद क्या पूछेंगे, क्या डरने की जरूरत है? अब इसमें पद्यांश का हवा बनाने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है कि पता नहीं पद्यांश आ गया तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होना है, बहुत सरल चीज है। चलिए आगे चलता हूं। अध्ययव, अब आपको देखो मैंने आपसे पूछ लिया कि अध्यय शब्द में कौन सी संधि है, अरे भाई सीधी बात है, अध्यय अव्यय है और इसके साथ में एव जुड़ेगा, अध्यय और एव, यहां पर दो वर्तनी दिख रही है, जहां पर सदैव अद्यैव तथैव ये जितने भी शब्द हैं द्विति संधि के उदाहरण है। अद्य आज एव ही, आगे भर्तृहरि कहते हैं अद्यैव वा मरणम अस्तु, नीति में निपुण लोग निंदा करे अथवा स्तुति करे, लक्ष्मी आए अथवा चली जाए, और अद्यैव वा मरणम अस्तु, आज ही मर क्यों ने जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता, शूरवीर की कोई उम्र थोड़ी होती है।
अतएव आज ही वा मरणम अस्तु, मरणम और अस्तु को जोड़ दोगे तो म म हलंत होता है मरणम का। मरणम शब्द कैसे बनाए, मृ धातु के साथ युट जुड़ता है, युट प्रत्यय पढ़ा चुका हूं, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देखें, मृ के साथ युट जुड़ेगा तो मरणम शब्द बनता है। हरि से हरणम, कृ से कर्णम, शी से शयनम, याच से याचनम, पठ से पठनम, दोह से दोहनम। आज ही मरणम अस्तु, अस्तु क्या है मैं आपको बता चुका हूं, ये कि अस धातु है, अस धातु है, अस और अस धातु का लोट लकार प्रथम दूस एक वचन वही अस्तु, अस्तु स्ताम संतु, अस्तु स्ताम संतु, एधी स्तम स्त, एधी ये पूछा हुआ, एधी कौन सी धातु है, अस कौन सा लकार है, लोट कौन सा पुरुष है, मध्यम पुरुष कौन सा वचन है, एक वचन एधी स्तम स्त, असाम असाव असाम, कितना तो सरल है, पढ़ना तो पड़ेगा ना। जीवन में यदि आप शिक्षक बनते हैं और साधना नहीं करते हैं तो क्या करने वाले हैं, तो आपको आपको जो है एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि विद्यार्थी एक पुस्तक नहीं पढ़ करके 100 तरह की पुस्तकें पढ़ता है। आप ये ध्यान रखें कि एक पुस्तक को 100 बार पढ़ लें, 100 पुस्तकों को अलग अलग एक एक बार पढ़ने से आप कभी सफल नहीं हो सकते। दूसरी बात, जो हम लोग यहां पर जो आते हैं उनके माध्यम से आप ये कर सकते हैं साथियों, एक शिक्षा मनोविज्ञान रीट में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और कॉलेज में प्रोफेसर है श्री धीर सिंह जी धाबाई, धीर सिंह जी धाबाई शिक्षा मनोविज्ञान के अधिकृत विद्वान हैं। उनके द्वारा एक एक पुस्तक अवनी शिक्षा मनोविज्ञान का प्रणयन भी उनके द्वारा किया गया। हिंदी में मेरी एक पुस्तक है हिंदी व्याकरण माला। तो आप इस तरह से हम हमारा आग्रह आपसे केवल इतना है कि हम लोगों ने ये 15-15, 20-20 वर्ष की साधना से, ये कहते हुए मुझे कोई वो नहीं है, ये अभिमान नहीं है, ये स्वाभिमान है, उस साधना के माध्यम से आप लोगों के सम्मुख, क्योंकि मैं जानता हूं कि विद्यार्थी की जिंदगी में एक प्रश्न का महत्व क्या होता है। तो आप उस धीर सिंह जी धाबाई को पढ़ें, उनका उनका चैनल जो है उसके ऊपर निःशुल्क रूप से आपको कक्षाएं मिल रही है, उसको आप देखें। आप इस तरह से यदि आप एक एक चीज को एक चीज के माध्यम से पढ़ें, आप तैयार करें कि मुझे इसी प्रकार से करना है। चलिए, मरणम अस्तु, तो अस्तु हो गया, युगांतरे वा, भर्तृहरि कहते हैं कि अद्यैव वा मरणम अस्तु, मेरा आज ही मरना हो जाए, युगांतरे वा अथवा युग युगों तक मैं जीवित रहूं, मरूं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन न्यायात पथ, न्याय के पथ से, न्यायात पंचमी विभक्ति है और पंथ पंथा शब्द से पथ जो जो है शुभास्त पंथान संतु पथ पंथानो पंथान, तो इस न्याय के पद से प्रविचलन्ति पदम न धीरा, जो धीर लोग हैं, देखो न धीरा जो धीर लोग हैं वो न्याय के पद से न पद, पद कहते हैं स्थान को, न अर्थात नहीं, प्रविचलन्ति न प्रविचलन्ति, एक कदम भी न्याय के स्थान से पीछे नहीं हटते हैं, चाहे नीति में निपुण लोग उनकी निंदा करें, स्तुति करें, लक्ष्मी आए अथवा जाए, आज ही मरूं या युगों युगों तक नहीं मरूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन न्यायात पथ, धीर व्यक्ति न्याय के पथ से न प्रविचलंती, कभी भी नहीं हटते हैं। इसका अर्थ मैंने आपको बता दिया, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि आप इसका अर्थ जानो। अब यहां पर देखो प्रविचलंती क्या है, जैसे पठंती है, पठती पठता पठंती, तो प्र उपसर्ग है, वि उपसर्ग है, चल धातु है और लट लकार है, प्रथम पुरुष है, बहुवचन है, चलती चलत चलंती, प्र और वि उपसर्ग है, पदम स्थान को कहते हैं, न अव्य है, धीरा पुलिंग शब्द है, धीरा शब्द जो है वो धी धातु के साथ, धी धा लिख लो, धी धातु के साथ रा और क प्रत्यय जुड़ने से धीर शब्द बनता है और यहां पर प्रथमा का बहुवचन है, जैसे राम 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 वैसे धीर धीर धीरा, तो धीर लोग जो हैं वो न्याय के पद से एक कदम भी च्युत नहीं होते हैं, हटते नहीं हैं, उनकी जिंदगी में कोई भी संघर्ष आ जाए, किसी प्रकार की कोई स्थिति आ जाए, लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटते, ये इसका अर्थ था। चलो इसके आधार पर कौन कौन से प्रश्न है, किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, पहला है कि निंदन तो इत्यत्र कह लकार, मैं सब कुछ बता चुका हूं, लट लिट लोट बोलो कौन सा लकार है, लोट लकार, बहुत सीधा सा बात है। इसमें आपसे यह भी पूछा जा सकता था कि लोट लकार का कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है, तो प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। समाविश तो बता चुका हूं, समाविश तो पदस्य विच्छेदन करूं तो सम उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, विश धातु है, लोट लकार है और प्रथम पुरुष का एक वचन है, प्रथम पुरुष का एक वचन है,
यथेष्टम, सीधे सीधे देखो, मैंने यहां पर यथेष्टम शब्द में बताई थी कि यथेष्टम में गुण संधि है, यथेष्टम इत्यस्य संधि विच्छेद, तो बता चुका हूं यथा और इष्टम, संधि का नाम पूछ ले तो कौन सी संधि है बोलो, गुण संधि है, सीधा सीधा है, यथेष्टम इत्यस्य संधि विच्छेद। फिर आपसे प्रश्न चार इसमें किया गया कि धीरा इति पदम कस्मिन् लिंगे, इस पद्यांश में आया हुआ जो धीर शब्द है वो किस लिंग में प्रयुक्त हुआ है, तो मैं आपको बता चुका हूं धी र और क से धीर बनता है और प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, पुलिंग है, तो यहां पर धीरा इति पदम कस्मिन् लिंगे, तो पुलिंग में है, संस्कृत भाषायां लिंग त्रयम् भवति, पुलिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग, और धीर जो शब्द है वो पुलिंग है, पुलिंग का प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। न्यायात पथ प्रविचलंती, ये इसमें आया ना, न्यायात पथ प्रविचलंती वाक्यम इदम लोट लकारे परिवर्तयत, अब लोट लकार में परिवर्तन आपको करना है, आपको ये देखना है कि प्रविचलंती जो पद है वो किस में है भाई साहब, प्रविचलंती, प्रवि उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है, चलन चलंती लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है, अब इसका लोट लकार का बहुवचन बनाना है तो क्या होगा, प्रविचलंतु चलतु चलताम चलंतु चलती चलता चलंती, तो ये लट का लोट में करना है। लकार परिवर्तन कैसे होता है, यदि इसका आपको लिट पूछ सकता था वो आपसे कह सकता था कि न्यायात पथा प्रविचलंती वाक्य में एकदम लिट लकारे सब परिवर्तियत या लंग लकारे परिवर्तियत या लिंग लकारे परिवर्तियत, एक बात आप ध्यान रखिएगा, यदि रीट परीक्षा में पास होना चाहते हैं तो पांचों प्रकार के जो लकार है, लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार, इन लकारों के पांचों लकारों के आपको रूप याद करना है तभी आप परीक्षा में जाएं, अन्यथा नहीं दें आप परीक्षा। शब्द रूप और धातु रूप आपको याद करने हैं। दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं कि मैं ये पढ़ा चुका हूं, आप वहां से पढ़ सकते हैं, जहां से आपको और ज्यादा अच्छा लगता है वहां से आप पढ़ सकते हैं। चलिए, तो लोट लकारे परिवर्तियत, तो मैंने बता दिया कि न्यायात पथ प्रविचलंतु हो जाएगा, प्रविचलंती की जगह प्रविचलंतु हो जाएगा, वो जो विकल्प होगा वो ठीक होगा। साथियों ये देखो पांच प्रश्न इस गद्यांश को आधार बनाकर थे, इन पांच प्रश्नों में मुझे, मैं इनको मिटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लें, इन पांच प्रश्नों में एक भी प्रश्न ऐसा नहीं था जो डरावना था, बहुत सरल था। यदि मैं इसका परीक्षक होता या यदि मैं प्रश्न पत्र का निर्माण करता तो थोड़ा और कठिन देता, क्योंकि पढ़ने वाले और नहीं पढ़ने वाले जब थोड़ा कठिन प्रश्न पत्र आता है तो घबराइए मत, आपकी साधना का पूरा फल मिलने वाला है, जो विद्यार्थी मेहनत करता है उसको फल मिलना चाहिए, तो प्रश्न पत्र थोड़ा कठिन आता है उसी में आपको फायदा होता है, यह भी आप लोग ध्यान रखें। आप भगवान से जीवन में सरल चीजें मांगना छोड़ दीजिए, आज के बाद में संकल्प लीजिए कि हे ईश्वर मेरे सामने खूब समस्याएं लाओ, लेकिन उन समस्याओं का समाधान करने का साहस, इन उन समस्याओं को दूर करने का साहस भी ईश्वर से मांगो, अपने आत्मविश्वास को जगाओ। इसलिए मैं कहता हूं कि यदि प्रश्न पत्र सरल आता है, सरल की डिमांड न करें, जीवन में कुछ भी सरल नहीं होता, सब कुछ कठिन है, और जो कठिनता में जो आनंद ढूंढ लेता है वही जीवन में विजय प्राप्त करता है, यह आप ध्यान रखिएगा। अब यहां पर ये पांच प्रश्न हो गए, छठा प्रश्न ये था पाणिनीय शिक्षायाम वर्णा नाम संख्या वर्तते, कितना सरल प्रश्न है, एक रीत के विद्यार्थी को इतना तो आना ही चाहिए। एक वहां मैं पढ़ा चुका हूं ये चीज, वर्ण विचार में जाकर के आप देखना, त्रिषष्टि वा चतुष्षष्टि, चतुष्षष्टि वर्ण, चतुष्षष्टि ही वर्ण शंभु मते मता, शंभु मते मता, त्रिषष्टि वा चतुष्षष्टि वर्ण शंभु मते मता, इस प्रकार का कथन है कि 63 या 64 पाणिनि शिक्षा में 63 या 64 जो है वर्ण है, यह आपको ध्यान रखना है, 63 या 64, 22 या 23 स्वर है और 42 जो है व्यंजन है, उसके अनुसार जो है, मैं आपको पूरा पढ़ा चुका हूं, वहां पर आप देखोगे तो आपको आनंद आएगा। स्वरों की संख्या में वहां पर जो है लृ दीर्घ है कि नहीं है उसको लेकर के थोड़ा मतभेद है, उसके बारे में मैं पढ़ा चुका हूं, अभी यहां का विषय इतना ही है कि पाणिनि शिक्षा या वर्णानाम संख्या वर्तते, तो 63 या 64 ये याद कर लो कि ये पाणिनि शिक्षा में ही है, पाणिनि लिखते हैं त्रिषष्टि वा चतुष्षष्टि वर्णा शंभु मते मता, भगवान शिव के मत में, शंभु भगवान शिव के मत में 63 या 64 वर्ण माने गए हैं, बहुत सरल सा प्रश्न है।
तथ्यात्मक प्रश्न है, कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है। आगे देखिएगा, आगे जो है प्रश्न संख्या 7 पूछा है कि व्याकरणे लोपस्य तात्पर्यम अस्ति। 4 ऑप्शन थे, विस्मरणम लोपः, अदृश्यम लोपः, अश्रवणम लोपः, अदर्शनम लोपः। साथियों ये जो प्रश्न था ये अष्टाध्यायी या यूं मान लें कि लघु सिद्धांत कौमुदी, जिसको आप कहते हैं जो पाठ्यक्रम में आपके लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण में से आया है। लघु सिद्धांत कौमुदी में 3 सूत्र है, एक तो हलंत्यम, हल है जिसके अंत में, एक तस्य लोपः, उसका लोप हो जाता है, और जिसका लोप होता है उसके बाद में एक सूत्र आता है अदर्शनम लोपः। इस प्रश्न का तात्पर्य क्या है कि जो लोप संज्ञा है, लोप जो है, लोप जो कर रहे वो तस्य लोपः, तस्य लोप उस वर्ण का जो लोप, ये सूत्र है, इससे पहले जिस वर्ण का लोप हो रहा है उस वर्ण से मतलब क्या है, तो विस्मरण का तो भूल जाना होता है, वर्ण को भूला नहीं जाता। अदृश्यम जो दिखाई देने योग्य नहीं हो, ऐसा नहीं है। अश्रवण जो सुनने योग्य नहीं हो, यद्यपि शब्द ध्वनि जो है वो कान का विषय है लेकिन वहां पर पाणिनि ने अदर्शनम शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए आपका सही विकल्प क्या होगा, अदर्शनम लोपः। जिसका लोप है उसका मतलब अदर्शन, उसको देखना नहीं है लेकिन उस लोप के निमित्त जो कार्य होने वाले होते हैं, ये बात आपको समझ में नहीं आएगी, वो तो अवश्य होंगे, ऐसी बात है। आगे चलता हूं, एक प्रश्न आया, देखो आप लोगों के रीट पाठ्यक्रम में एक वाच्य है, वाच्य प्रकरण, तो यहां पर आपसे एक बहुत सीधा सीधा आपको पकड़ाया गया, मैं तो कहता हूं ऐसा प्रश्न आना ही नहीं चाहिए। आपसे पूछा गया कि स गच्छति वाच्य परिवर्तनम कुरुत, स गच्छति, अब यहां पर ये कर्तृवाच्य है, 3 वाच्य है हम जानते हैं, वाच्य 3 प्रकार के हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हिंदी में वाच्य में पढ़ा चुका हूं, संस्कृत में वाच्य एक दिन पढ़ाने वाला हूं, संस्कृत का वाच्य अभी मैंने नहीं पढ़ाया। कर्तृ, देखो वाक्य में क्या होता है, एक तो होता है कर्ता, एक होता है कर्म और एक होती है क्रिया, तो यहां पर भी लिख देता हूं कर्ता, कर्म, क्रिया। अब आपको क्या करना है, कर्ता में कौन सी व्यक्ति है, कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा व्यक्ति है, कर्म में द्वितीय व्यक्ति होती है, क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार चलती है। कर्मवाच्य का जो कर्ता होता है उसमें तृतीय व्यक्ति होती है, कर्म में प्रथमा व्यक्ति होती है और क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार चलती है, ये ध्यान रखना है आपको। तो आप इसको सूत्र के रूप में कह सकते हो 121 और 311, अर्थात प्रथमा द्वितीय और क्रिया कर्ता के अनुसार, तृतीय प्रथमा और क्रिया कर्म के अनुसार। अब यहां पर सह जो है वो प्रथमा व्यक्ति का है, उसका तृतीय व्यक्ति क्या होगा, तेन, सीधी सीधी बात है, तेन, देखो सह तौते तम तौतान तेन ताभ्याम तई तस्मै ताभ्याम तेभ्य, तो यहां पर सह का क्या होगा, तेन, और गच्छति का क्या होगा, गम्यते। कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में गम्यते, पठ्यते, हस्यते, लिख्यते, कर्मवाच्य और भाववाच्य में पठ्यते, लिख्यते, गम्यते, ये कर्तृवाच्य था, उसको हमें भाववाच्य बनाना था क्योंकि कर्म इसमें है नहीं, तो स की जगह तेन कर दो, गच्छति की जगह गम्यते कर दो, तो गम्यते, पठ्यते, हस्यते, लिख्यते, खाद्यते, उहियते, श्रूयते, पीयते, ये दीयते, हीयते, धीयते, ये जितने भी रूप जो है गम्यते, इस प्रकार की जो क्रियाएं आती है वो कर्मवाच्य अथवा भाववाच्य होता है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। वाच्य इदम् परिवर्तन करना था, उसमें विकल्प जो भी होगा वो आपको छांटना था। प्रश्न संख्या 9 जो है, देखिए आपके पाठ्यक्रम में कुछ सूक्तियां सम्मिलित है, साथियों यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, कुछ विद्यार्थी सूक्तियों को लेकर के भयभीत हो जाते हैं, आपको यह ध्यान रखना है कि रीट लेवल 2nd वाले को 6th से लेकर के 8th क्लास तक के विद्यार्थियों को पढ़ाना होता है और इसका जो कठिनाई का जो स्तर है वो 10वीं या 12वीं परीक्षा तक का होता है, आप यूं समझ के चलो कठिनाई का स्तर। तो 12वीं तक का हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें कौन कौन सी सूक्तियां आई है, उन्हीं सूक्तियों को आपको पढ़ना है। सुउक्ति, सुंदर है, शोभना उक्ति, यह सुउक्ति जो सुंदर उक्ति है, जो सुभाषित है, संस्कृत तो पूरी के पूरी संस्कृत में कदम कदम पर सुभाषित है, इनकी गिनती करना असंभव है, हजारों लाखों सूक्तियां संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त हुई होगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि माध्यमिक स्तर का वहां तक की पुस्तकों में जो सूक्तियां आई है वो टोटल सूक्तियां 100 के आसपास होगी,
उन 100 सूक्तियों के बाल नहीं जाता। अब यहां पर ये जो है भर्तृहरि का कथन है, सर्वे गुणा कांचनमय आश्रयंती, कि दुनिया के सारे गुण जो है वो धन में निवास करते हैं। तो यहां पर ये था सर्वे गुणा, फिर देश देश रिक्त स्थान था, फिर आश्रयंती अर्थात सभी गुण आश्रयंती निवास करते हैं, किसमें? निधानम में नहीं, सुंदरता में नहीं, ज्ञान में नहीं। वैसे तो देखा जाए तो परंपरागत रूप से तो हमारा ज्ञान का ही था, लेकिन यहां पर भर्तृहरि का मंतव्य यह था कि सर्वे गुणा कांचनमय आश्रयंती, कांचन अर्थात धन में निवास करते हैं। आज सबसे बड़ा नकारात्मक चीज है ये, लेकिन सबसे बड़ा जो बल है आज भी वैसे जान बली है, लेकिन किसी कवि विशेष के अनुसार, किसी चिंतक विशेष के अनुसार सर्वे गुणा कांचनमय आश्रयंती, कांचन कहते हैं कंचन सोने को और कंचन से कांचन धन में निवास करते हैं। तो यहां पर साथियों सर्वे गुणा कांचनमय आश्रयंती ये होगा। अब देखो आपसे आगे क्वेश्चन संख्या 10 पूछा गया, इसमें मैं आपको चाहूं तो एक घंटे का व्याख्यान दे सकता हूं। मैं बहुत शीघ्र ही कारक प्रकरण पढ़ाने वाला हूं संस्कृत में। यहां पर देखिएगा, स तंडुलेन तंडुलेन ओदनम पचति वाक्यम इदम संशोधयत। साथियों जिन्होंने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा है उन्होंने आपको एक सूत्र देखा होगा द्वितीय विभक्ति में, महर्षि पाणिनि अर्थात लघु सिद्धांत कौमुदी का एक सूत्र है अकथितंच। अकथितंच सूत्र जो है वह यह कहता है कि 16 धातु है, मैं सरल सरल अर्थ बता देता हूं कि 16 धातु है। वो 16 धातुएं कौन कौन सी है? एक तो ये ध्यान रखना कि जो भी विद्यार्थी इस कक्षा को सुन रहे हैं अकथितंच सूत्र रीट परीक्षा देने में जाने से पहले, मैंने आगे भी आपको बताया कारक में, आपको एक जो है मैंने मेरी एक 2.5 घंटे 3 घंटे की कक्षा है उसमें आप देख सकते हो, मैंने कारकों के विषय में थोड़ा विस्तार से बताया है वहां पर, लेकिन फिर भी कारक अलग से पढ़ाने वाला हूं। तो यहां पर रीट परीक्षा में जाने से पूर्व आपको अकथितंच सूत्र आपको जरूर पढ़ना है। कर्म कारक का मुख्य सूत्र है कर्तुर ईप्सित तमम कर्म, अर्थात कर्ता का जो ईप्सित तमम होता है, ईप्सित तम जो सबसे ज्यादा कर्ता जिसको चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। लेकिन यहां पर अकथितंच सूत्र यह कहता है कि 16 धातु हैं, वो 16 धातुएं कौन सी है? डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक दिन विस्तार से लिख करके बताऊंगा कि दुह याच पच दंड रुद्र पृच ची ब्रू शास जी मत मुष नी री कृष वह। इन 16 धातुओं के योग में ये द्विकर्मक धातु है, और द्विकर्मक है तो इन कौन सी, जैसे दुह धातु है, याच धातु है, दुह याच पच है, दंड है, तो यहां पर रुद है, ची ब्रू शास जी अभी बताया, तो पचति शब्द आया, पचति धातु आई, तो यहां पर तंडुलेन में तो तृतीय विभक्ति है तो आपको द्वितीय विभक्ति करनी है, कुछ नहीं करना तंडुलेन, अरे रामेण की तरह, राम बाणेन की तरह तृतीय विभक्ति है, तृतीय विभक्ति नहीं होगी। ओदनम में तो द्वितीय है लेकिन तंडुलेन में तृतीय विभक्ति थी, इसलिए ये वाक्य अशुद्ध हो गया और इसलिए इसको शुद्ध करना होगा। शुद्ध क्या होगा कि सह तंडुलान, द्वितीय विभक्ति हो गई रामान की तरह, तंडुलान ओदनम पचति, ओदनम पचति वह तंडुल अर्थात चावलों से, ओदनम अर्थात भात पकाता है, वह चावलों से भात पकाता है, स तंडुलान ओदनम पचति, इस प्रकार से आपको इसका संशोधन करना था। तंडुला तंडुलौ तंडुला तंडुलम तंडुलौ तंडुलान, ये तृतीय विभक्ति पच पच आ गई, तो आपको ध्यान रखना है कि पच धातु के साथ तो दो कर्म होंगे, एक कर्म तो आपको ओदनम रामम की तरह दिख रहा है, तंडुलेन यहां पर तृतीय विभक्ति दिख रही है, इतना थोड़ा आइडिया भी लगा लोगे कि पच धातु के साथ दो कर्म आने चाहिए, दो कर्मों में दो शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए तो भी आप कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। चलिए आगे चलता हूं, यहां पर आगे आपसे पूछा गया कि बहुत सिंपल सा कि शिक्षण शब्द है मूल धातु, शिक्षण शब्द है उसमें धातु कौन सी है? भाई कोई भी बता सकता है कि शिक्षण शब्द में शिक्ष धातु है, और कौन सा प्रत्यय? शिक्षणम करणम मरणम ल्युट प्रत्यय। तो शिक्षण शब्द है मूल धातु, मूल धातु कौन सी है? शिक्ष है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक चौथी और थी वो भी नहीं है, तो शिक्ष धातु। आपको इस ये जो क्लास है मेरी, इसका उद्देश्य केवल और केवल इतना है कि प्रश्न पत्र किस प्रकार का आता है यह आपको जानना चाहिए। अब साथियों ये 12वां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्ण विचार से संबंधित 2 या 3 प्रश्न आते हैं। वहां पर कहा गया है कि वर्णों के जो प्रयत्न होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आभ्यंतर यत्न, आभ्यंतर, और एक होता है बाह्य,
यत्नो द्विधा, मैं पढ़ा चुका हूं ये, यत्नों के दो भेद है, आभ्यंतर बाह्यश्च। आभ्यंतर प्रयत्नाः पंचविधः। आभ्यंतर प्रयत्न जो है वो कितने प्रकार के, इसमें कितने प्रकार के पूछे कि पांच प्रकार के होते हैं, पांच प्रकार के होते हैं आभ्यंतर प्रयत्न, पांच प्रकार के होते हैं। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? आभ्यंतर होता है स्पृष्ट, फिर होता है ईषद स्पृष्ट, फिर होता है ईषद विवृत, फिर होता है विवृत और फिर होता है समृद्ध। ये पांच प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। बहुत सरल है, मैं इसके बारे में पढ़ा चुका हूं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देखें, वहां बहुत विस्तार से मैंने इसको पढ़ाया। आभ्यंतर यत्न पंचधा, आभ्यंतर पांच प्रकार के होते हैं, स्पृष्ट ईषद स्पृष्ट अशी ईषद विवृत, विवृत और समृद्ध। बल्कि प्रश्न तो यह पूछना था कि स्पृष्ट प्रयत्न में कौन कौन से वर्ण आते हैं या ईषद स्पृष्ट में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ये मैं पढ़ा चुका हूं, वहां से आप देख ले। ईषद विवृत में कौन कौन से होते हैं? विवृत, विवृतम स्वराणाम, समृतम अकार जो है वो समृत और विवृत दोनों होता है। स्पृष्ट जो है वो स्पर्श वर्णों का होता है। ईषद स्पृष्ट अंतस्थ वर्णों का, यह वर्ण ल का होता है। ईषद विवृतम ऊष्माणाम, ऊष्म जो वर्ण है श श और स ह इनका जो है ईषद विवृत प्रयत्न होता है आभ्यंतर। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं, विवार स्वार श्वास घोष अघोष अलप्राण महाप्राण उद्दात अनुदात और स्वरित, ये 11 प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार का सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया कि आभ्यंतर प्रयत्न कौन कौन कितने प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं? तो पांच होते हैं। पाणिनि एक प्रश्न था, पाणिनि व्याकरणे स्वराः सन्ति। देखो वर्ण विचार से चौथा प्रश्न आया, पाणिनि व्याकरणे स्वराः सन्ति, पाणिनि व्याकरण में स्वर होते हैं। तो पाणिनि व्याकरण में स्वर तीन प्रकार के होते हैं, उद्दात अनुदात और स्वरित। उद्दात अनुदात और स्वरित, तीन प्रकार के स्वर होते हैं, उद्दात अनुदात और स्वरित। उद्दात जो है मैं पढ़ा चुका हूं, उच्चैर उदात, उच्चैर उदात, नीचैर अनुदात, नीचैर अनुदात और समाहार स्वरित, समाहार स्वरित। ये वैदिक व्यवस्था में स्वरों को बोलने का तरीका था। लौकिक संस्कृत में आते आते ये परंपरा जो है लुप्त प्राय हो गई, लेकिन ये बहुत काम की चीज थी। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बता चुका हूं, आप वर्ण विचार में प्लेलिस्ट में जाकर के देख लें, वहां पर संस्कृत वर्ण वाला जो पढ़ाई मैंने उसमें ही पढ़ा चुका हूं। तो स्वर जो है वो तीन प्रकार के हैं, उद्दात अनुदात और स्वरित। उद्दात की परिभाषा है उच्चैर उदात, जो तालु आदि स्थानों में ऊंचे वाले भाग से बोला जाता है वो उद्दात है। नीचैर अनुदात, जो नीचे वाले भाग से बोला जाता है वो अनुदात है, और जिसमें ऊपर और नीचे दोनों का समाहार कर दिया जाता है, समाहार मिला दिया जाता है, वो स्वरित वर्ण होता है। तो स्वरों के तीन भेद हो गए। अब यहां पर देखो आगे वाला प्रश्न लेते हैं, इन सबको मिटा रहा। आगे वाला प्रश्न देखिए, आगे वाला प्रश्न ये है, पहले अपन इस प्रश्न को ले लेते हैं, प्रश्न संख्या 15। साथियों प्रश्न संख्या 15 यह है कि पंचगंगम इत्यत्र समासः वर्तते। पंचगंगम शब्द दिया और आपको समास पूछा गया है। यदि कोई विद्यार्थी हिंदी वाला दिमाग लगा लेगा तो उसने द्विगु कर देगा और वो फेल हो जाएगा। पंचगंगम में अव्यय भाव समास है। एक सूत्र है नदीभीष, संस्कृत का एक सूत्र है नदीभीष। नदीभीष का मतलब यह है कि संख्यावाची शब्दों का नदी विशेष, संख्यावाची शब्दों का नदी विशेष को बताने वाले शब्दों के साथ समाहार अर्थ में अव्यय भाव समास होता है। ये पंच चार शब्द है, रट लो, जैसे पंच गंगम है इसी प्रकार पंच नदम आ जाए, इनका विग्रह होता है। जैसे पंच गंगम, पंचानाम गंगानाम समाहार, पंचानाम गंगानाम समाहार पंच गंगम। इसी प्रकार मैंने कह दिया सप्त गंगम, सप्त गंगम बोल दिया तो सप्तानाम गंगानाम समाहार इति सप्त गंगम, पंचानाम नदानाम समाहार इति पंच नदम। और इसी प्रकार से एक शब्द होता है द्वियमुनम, 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 तो क्या होगा द्वयो हो यमुनयो हो समारह इति द्वियमुनम। तो इस प्रकार से यदि कोई नदी वाचिक शब्द के पहले संख्यावाचिक शब्द आए तो वहां पर द्विगु नहीं होकर के वहां पर अव्यय भाव समास होता है। यह संस्कृत का सूत्र है और सूत्र है नदीभीष। इस सूत्र के माध्यम से जब किसी संख्यावाचक शब्द के साथ किसी नदी विशेष को बताने वाला शब्द जुड़ा हो तो समाहार अर्थ में अव्यय भाव समास होगा, द्विगु नहीं होगा, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए
तो इसी प्रकार से अब यहां पर एक जो है अंतिम प्रश्न की बात करते हैं, और अंतिम प्रश्न ये रहा आपके सामने साथियों, आपसे पूछा गया था महाभाष्यकार कह अस्ति। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि संस्कृत व्याकरण में मुनि त्रयस्य अवधारणा वर्तते, एतेषु त्रिषु मुनिषु तीन मुनि आते हैं, सबसे पहले आते हैं पाणिनि, फिर आते हैं कात्यायन और फिर आते हैं पतंजलि। इनका कालक्रम के अनुसार संस्कृत में यही क्रम है। कई बार यह प्रश्न आता है कि एतेषु कह मुनि त्रि मुनिषु सम्मिलितः नास्ति। संस्कृत भाषा में आपको यह ध्यान रखना है, मैं सदैव ये तो बोलता ही हूं, हर क्लास में बोलता हूं, लेकिन संस्कृत में आप लोगों के सामने एक छोटी सी समस्या जो आपको डराने वाली है वो ये है कि संस्कृत भाषा का जो प्रश्न पत्र है वो संस्कृत माध्यम से आता है। जैसे हिंदी भाषा का प्रश्न हिंदी माध्यम से आएगा स्वाभाविक है, उर्दू का उर्दू माध्यम से, गुजराती का गुजराती माध्यम से, पंजाबी का पंजाबी के माध्यम से, तो संस्कृत का संस्कृत के माध्यम से आता है। लेकिन संस्कृत का अर्थ जानना कोई महाभाष्यकार का अस्ति, सीधी सीधी बात है, महाभाष्यकार कौन है? तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि मुनि त्रय में पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पाणिनि आप ध्यान रखना सूत्रकार है, और उन्होंने क्या लिखा था, अष्टाध्यायी लिखा था, आठ अध्याय वाली जो है वो अष्टाध्यायी है, तो पाणिनि सूत्रकार है। कात्यायन जो है वो संस्कृत में वार्तिककार के नाम से जाने जाते हैं, और पतंजलि जो है वो भाष्यकार या महाभाष्यकार है। इनकी पुस्तक का नाम तो महाभाष्य है, और ये भाष्यकार है, ये वार्तिककार है, ये सूत्रकार है। पूछा गया था, सीधा सीधा आपको एक नंबर पकड़ा दिया गया कि महाभाष्यकार का अस्ति तो पतंजलि अस्ति, ऐसे आपको ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत सरल सी बातें जो मैंने आपके साथ में शेयर करी, साझा करी। साथियों मुझे लगता है कि आपको ये जानना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी रेलवे स्टेशन में जाने से पहले हमारी यात्रा का जो गंतव्य बिंदु है उसके बारे में चिंतन करते हैं। घर से निकलते वक्त हम ये सोच लेते हैं कि हमें कौन से स्टेशन पर उतरना है, कौन सी गाड़ी में बैठना है। आप परीक्षा देने से पहले ये आप जो है पूर्व विगत के जो प्रश्न पत्र आए हैं उनको लेकर के मैं और भी चर्चा आप लोगों से करूंगा, हिंदी विषय की भी करूंगा, शिक्षण नीतियों की भी अपन बात करेंगे। तो यहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रश्न पत्र है वो किस प्रकार का आने वाला है, आपसे मिलने कई से प्रश्न आने वाले हैं। ये आपको यदि पहले से पूर्व जान आपका होगा तो आपकी यात्रा सरल हो जाएगी। मैं आपको एक ही बात कहूंगा और वो ये है कि जीवन में आत्मविश्वास रखें, श्रद्धा रखें, और जो है मां सरस्वती के उपासक बने। मां सरस्वती से केवल और केवल विद्या मांगिए, सिलेबस के अनुसार पढ़े, पांच किताबों की बजाय आप एक किताब से पढ़े और पूर्ण निष्ठा के साथ पढ़े। सुबह उठते ही अपने आप को जीतता हुआ देखें, रात को सोते समय जब आप अवचेतन मन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, अर्धचेतन मन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, उस वक्त अपने मन में टोनिंग करना है कि मैं शिक्षक बन गया हूं। क्योंकि मैंने आपको आगे भी कहा था कि ताजमहल कहीं और बनने से पहले किसी के मस्तिष्क में बन गया था। सफल होने के लिए आपको जीवन में उस जो आपकी यात्रा है उसके बारे में आपको बार बार चिंतन करना पड़ेगा, बार बार सोचना पड़ेगा, हृदय में उसका चित्र लेकर के आना पड़ेगा। मुझे एक बात याद आती है, उसके साथ ये कक्षा समाप्त करता हूं। सचिन तेंदुलकर से एक बार ये पूछा गया था कि आप हर मैच में किस प्रकार शतक बना देते हैं, तो उनका जो उत्तर था वो बहुत प्रेरणीय उत्तर था, बहुत ही शिक्षणीय उत्तर था। उन्होंने ये कहा किसी पत्रकार से कि बंधु, जब मैं रात्रि को सोता हूं तो हर दिन स्वप्न में जाने से पहले मैं अपने शतक को, अपने सैकड़े को बनता हुआ देखता हूं, और जब दूसरे दिन मैं मैच पे आता हूं, जब उस मैदान पे उतरता हूं, तो मेरी जो रात्रि की हुई जो माइंड की जो ट्यूनिंग थी वो ऑन हो जाती है और मैं शतक बना देता हूं। आपको भी जिंदगी में सफल होने के लिए अपने आप के रिजल्ट को देखिए, अपने आप को सफलता के उस सोपान पर चढ़ता हुआ देखें, सफलता की सीढ़ियों पर आरूढ़ देखें, और पूरे मन से ये मान लें कि मैं सफल हो गया हूं। केवल और केवल मेरे बीच में कुछ समय है, और उस समय का जो अंतराल है, जिस दिन वो पूर्ण होगा, मैं सफल हूं, 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 ये माला फेरें, बार बार फेरें, हनुमान चालीसे से भी ज्यादा कारगर है। नमस्ते, मेरी खूब शुभकामनाएं, धन्यवाद।